देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता का प्यार पूरी तरह से बरकरार है। जो 2014 से प्रदेश की और देश की राजनीति में बदलाव आया है और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के शुरू की है, तो जनता का लगातार समर्थन प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहा है। इस चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से प्यार मिल रहा है उससे विपक्ष के खेमे में खलबली है, गठबंधन बिखर रहे हैं, प्रत्याशी उन्हें मिल रहे नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में है और ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए बनने जा रही है। निकाय चुनाव जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे और जनता का प्यार मिलेगा तो 27 भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जीतेगी। इस बार सपा ने सभी निकाय चुनाव में अपने सिंबल पर पार्षद नहीं उतारे, क्या इसके पीछे बगावत सबसे बड़ी वजह है? ने समाजवादी पार्टी ने अधिकांश स्थानों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कुछ जगहों पर जहां पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वहां पर सिंबल को सीज कर दिया गया और किसी को सिंबल नहीं दिया गया है। जो भी जीत करके आएगा या हार करके आएगा उन सब को समाजवादी पार्टी अपने में फिर से शामिल कर लेगी। कई जगह पर, एक लखनऊ में वार्ड है जहां 22 लोगों ने टिकट मांगा था और 22 लोग संघर्ष करने वाले थे, पार्टी के लिए मजबूत सिपाही थे, तो निर्णय हुआ कि उस स्थान पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार कर दिया जाए। जो चुनाव जीत करके आएगा वो पार्टी का पार्षद होगा। उत्तर प्रदेश में 760 निकायों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं। 4 मई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इस बार यूपी में कुल 17 नगर निगम हैं और अगर इन 17 नगर निगमों के आंकड़ों को देखा जाए, वहाँ जो पार्षद की सीटें हैं या हम कहें जो वार्ड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सिंबल पर किसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वो सत्ताधारी बीजेपी है, जिसने ज़्यादातर हम कहें 1 या 2 जो नगर निगम हैं वहाँ पर अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सभी नगर निगमों में 100% अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कहीं किसी नगर निगम में दूसरे नंबर पर है तो कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारने के मामले में दूसरे नंबर पर है। कई जगह तो कांग्रेस भी नंबर 2 पर है अपने उम्मीदवार उतारने में। और अगर शाहजहांपुर की बात कर लें, जो पहली बार नगर निगम बना है, तो वहाँ बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने अपने पार्षद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। अगर मथुरा की बात कर लें तो सबसे कम अगर किसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं नगर निगम में तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर वाराणसी की बात कर लें तो वहाँ पर जितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं उतने ही समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। और इसी तरह अगर बरेली की भी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बराबर ही उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। यानी हर एक सियासी दल की कोशिश यही है कि अपने सिंबल पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को लड़ाया जाए। लेकिन कुछ जगहों पर जहां बगावत है या फिर जहां लग रहा है कि पार्टी को कि एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है और दूसरा भी जीत सकता है, तो वहां पर सिंबल पर ना देकर जो भी मैदान में उतरा है उसे पार्टियां समर्थन कर रही है। और इसके पीछे रणनीति कई बार यही होती कि जो जीत जाएगा वो पार्टी का ही व्यक्ति है, उसे फिर पार्टी में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो नगर निगम हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अगर बसपा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंबल पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।